स्वागत है आपका YouTube चैनल MS Classes में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मानव और कपि में फिजिकली क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आइए जानते हैं कि वे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मानव और कपि में अंतर पाए जाते हैं। अब मानव की बात करें तो मानव की खोपड़ी का आकार मध्यम अवस्था का होता है, जिसमें फॉरमन मैग्नम आगे की ओर होता है। वही कपि की खोपड़ी गोलाकार और फॉर्मल मैग्नम पीछे की ओर होता है। मानव के दंत सूत्र के बारे में बात करें तो देखेंगे कि इनके दंत सूत्र इस प्रकार है, जैसे 2-1-2-3 और वहीं कपि में 2-1-3-3। साथ ही मानव के कैनाइल दंत लंबे नहीं होते, लेकिन मानव की तुलना में कपियों के कैनाइल दंत लंबे होते हैं। मानव में लिनिया स्पेरा पाया जाता है, लेकिन कपियों में लिनिया स्पेरा नहीं पाया जाता। मानव का ऑक्सीपिटल बोन मीडियम आकार का होता है, लेकिन कपियों का ऑक्सीपिटल बोन पीछे की ओर निकला हुआ रहता है। साथ ही मानव का हाथ पैरों से लंबा नहीं होता, लेकिन कपियों के हाथ पैरों से लंबे होते हैं। मानव के नेल्स बोन भी विकसित होते हैं, लेकिन कपियों में नेल बोन से विकसित नहीं होते। मानव के रीढ़ की हड्डी एस आकार की होती है, लेकिन कपियों की धनुष आकार की होती है। मानव के चिन भी आकार के होते हैं, लेकिन कपियों के यू आकार के होते हैं। साथ ही साथ मानव में पूर्ण विकसित एड़ी होता है, लेकिन हम कपियों की बात करें तो उनमें पूर्ण विकसित एड़ी नहीं होता। इस तरह से हम मानव और कपि के बीच फिजिकली क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और उसे अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ।